हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। गाइज, आज की इस क्लास में हम लोग CAHM यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सब्जेक्ट जो है आपका, उसको पढ़ने वाले हैं। CHM की क्लास आज लेने वाले हैं। आज की इस वीडियो में एक दो चीज़ें और आप सभी को कन्फर्म कराने हैं कि आप सभी का IoT का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास जो है समाप्त हो चुका है और PHP का भी क्लास समाप्त हो चुका है। मैंने तीन सब्जेक्ट का क्लास समाप्त हो चुका है, दो सब्जेक्ट बचा है, पहला एक तो पाइथन और दूसरा बचा है CHM का। तो गाइज, यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHM का और 5 या 6 दिन में इसको भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। और इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे आप सभी को बता दिए हैं। तो आप सभी लोग यदि IoT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और PHP का क्लास नहीं ले पाए होंगे तो आप लोग आरके स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा CHM के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं यहाँ पे कि इसमें आपका 6 चैप्टर है, ओनली 1 6 चैप्टर, ठीक है। इसको चाहे तो आप 6 दिन में पढ़ सकते हैं, इसको चाहे तो 3 दिन में पढ़ सकते हैं और इसको चाहे तो आप 1 दिन में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और आप इसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि आप 6 या 3 या 1 दिन में तैयार कर जाएं। इसीलिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जो उस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे हम 5-6 दिन के अंतर्गत में। तो क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। सबसे पहला जो है आपका वो है हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संगठन किस तरह से होते हैं, CPU का पूरा मॉडल इसमें पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो भी है इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। दूसरा जो है मेमोरी संगठन, मेमोरी संगठन के अंतर्गत में यानी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में हमारे कितने टाइप के मेमोरी होते हैं या मेमोरी में किस तरह से रखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें स्टोरेज के बारे में, मेमोरी के बारे में सारी डिटेल्स हम लोग 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। एक आपका तीसरा जो है वो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का कहने का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर को समझता है। अब बाइनरी में नंबर में हमारा 0 और 1 आता है, 2 डिजिट नंबर आते हैं, इन डिजिट नंबर के आधार पर हम लोग किस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर को अर्थमेटिक ऑपरेशंस में परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर में। चौथे की बात करें तो इसमें है IO ऑर्गेनाइजेशन, इसमें IO संगठन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका 2 टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला तो आपका ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, लेसन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक साल पूछता है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा 8085 और एक 8086, ठीक है। 2 यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, 8085 और 8086। तो आपका चैप्टर का नाम ही है 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और इसकी विशेषताएँ क्या है, डिफरेंट क्या है, ये सारी चीज़ें पूछती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लगातार क्लास आपको लेंगे तो आपको उसमें इम्पोर्टेंट तो बताते ही चलेंगे। अगला है आपका जो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम या आर्किटेक्चर, ठीक है, यानी आर्किटेक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे। तो गाइस यहाँ पे ये लास्ट है, इसमें भी आर्किटेक्चर से ही है, कुछ फिगर उसमें बने हुए हैं, तो इससे रिलेटेड ही हम लोग इतना ही हम लोग को पढ़ना है, जो कि 6 दिन के अंतर्गत में हम लोग कवरअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट है आपका संकट मोचन प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स आप सभी के हो गए होंगे और संकट मोचन में कुछ है नहीं, जितनी चीज़ें यहाँ आपने पढ़े हैं वही का इंपॉर्टेंट चीज़ें संकट मोचन के अंतर्गत में होता है, ठीक है। तो ये आपका है नहीं, तो आपका मात्र कितना है 6 चैप्टर है, इसको चलिए फटाफट से समझते हैं। तो गाइज अब हम लोग फटाफट से CHM की क्लास स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 और भाग नंबर 1, जिसमें आज हम लोग CPU ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे कि CPU ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम आप सभी को बता देंगे। तो लेसन नंबर 1 और भाग नंबर 1 है, ठीक है। लेसन नंबर 1 का नाम है आपका हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
तो गाइस सबसे पहला हमारा टॉपिक जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी सीपीयू संगठन क्या होती है। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जानने से पहले सबसे पहले हम लोग सीपीयू के बारे में जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है। आप सभी को पता है सीपीयू, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब हो गया आपका सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेस और यू फॉर यूनिट, ठीक है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि क्या करता है, हमारे किसी भी यूनिट का मुख्य काम, जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी जो हमारा सीपीयू है, यानी अगर हम लोग सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम है यानी जो हमारे पास कंप्यूटर है उसको सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का कहने का मतलब है कि इसको हम लोग दूसरे नाम से माइंड भी बोलते हैं, मतलब दूसरे नाम से जानते हैं कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जिसको हम लोग माइंड भी बोलते हैं, ठीक है, कि उसका ये माइंड है। अगर हम लोग सीपीयू की यहाँ पर बात करें तो सीपीयू का ये ऐसा भाग होता है जो कंप्यूटर के आंतरिक प्रक्रिया का संचालन करता है। कैसा करता है? आंतरिक जो प्रक्रियाएं होती है उसका संचालन करता है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं सीपीयू जरूर देखा होगा। अगर हम लोग बात करें सीपीयू का तो यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है। क्या करता है? जो भी हमें इनपुट या आउटपुट देने होते हैं, मिलते हैं, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सीपीयू की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यह साथ ही साथ क्या करता है कि जो हमारा अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट होता है, यानी जो हमारे अर्थमैटिक वर्क होते हैं और जो मेमोरी के वर्क होते हैं, इनके बीच जो है डेटा का आदान प्रदान भी करता है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखिएगा कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन या सीपीयू के अंतर्गत में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, सीपीयू जो है कंट्रोल करता है हमारे किसी भी सिस्टम को, और सीपीयू ये भी करता है कि हमारी जो भी आंतरिक प्रक्रिया होती है, एक्सटर्नल या इंटरनल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल से बात करेंगे, एक्सटर्नल जो भी प्रक्रियाएं होती है उसको संभालता है या कंट्रोल करता है। अगर हम लोग बात करें इनपुट और आउटपुट की तो वो भी क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हमारी जो भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है और मेमोरी जो होती है, ठीक है, इस मेमोरी के बीच जो डेटा का आदान प्रदान होता है या निर्देशित करता है कि कौन सा कौन करता है, सीपीयू करता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सीपीयू क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अब सीपीयू जान गए कि सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में भी लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये टोटली हमारा एक सीपीयू है तो सीपीयू के अंतर्गत में हमारा क्या क्या सुविधा हो सकती है, इस बात को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक डिवाइस कंट्रोल लगा होगा जहाँ पे कि हम लोग माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्ट करेंगे, सीपीयू से कनेक्ट करेंगे, और जो है सीपीयू हमारा क्या करता है, उसको जैसे उससे हम जो भी वहाँ पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से जो भी चीज़ हमने लिखेंगे या प्रिंटर अगर यदि करना है तो सीपीयू में जाएगा, ठीक है। सीपीयू जो है वो कंट्रोल करेगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसमें इनपुट दिया जाएगा उस हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा, या तो माउस को या कीबोर्ड या ये सब जो चीज़ें हैं, ये देखिए प्रिंटर जो है ये आउटपुट देने का कार्य करता है, कीबोर्ड या माउस जो है ये इनपुट देने का कार्य करता है। डिवाइस कंट्रोल लगा होता है सीपीयू के अंतर्गत में जो कि कंट्रोल करता है, और इसके अंतर्गत में मेमोरी लगी होती है, ठीक है, मॉनिटरिंग लगी होती है जिससे कि हमारा जो भी वहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं वो सारी चीज़ें दिखती है। हार्ड डिस्क लगा होता है, डिस्क कंट्रोलर लगा होता है, ग्राफिक हैंडलर लगा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस पे निर्भर होती है, मेमोरी पे निर्भर होती है। तो आप कुछ अगर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपको फिगर बनानी हो तो कुछ आप इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको डिवाइस कंट्रोलर दिखाना है जहाँ पे कि सारे फंक्शन को यहाँ पे ऐड कर देना है, जो कि डिवाइस कंट्रोलर एक सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू हमारा क्या करता है, हमारे जो भी सिस्टम है या भी जो भी हमारे पास कंप्यूटर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का वर्क करता है। आगे हम लोग बात करेंगे सीपीयू के कुछ प्रमुख भाग हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं मेजर पार्ट ऑफ अ सीपीयू, यानी सीपीयू के कुछ पार्ट हैं जिसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इनपुट, जब हम लोग कोई भी डिवाइस से इनपुट देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे हमारा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट लगा होता है, कंट्रोल यूनिट लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह हमारा सीपीयू है एक तरह से कह सकते हैं। सीपीयू के अंतर्गत में हमारे अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट लगा है, कंट्रोल यूनिट लगी हुई है जो कि कनेक्ट किया गया है मेमोरी यूनिट से, और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो वर्क करेगा, ठीक है।
फिर उस हिसाब से कंट्रोल करके हमारा क्या करेगा, आउटपुट देता है। यहाँ पे हमारा मेमोरी इसलिए लगा रहता है क्योंकि अगर यदि किसी भी डेटा को हम लोग को स्टोर करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज ये जो CPU है इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट दिया गया है और यहाँ पे हमारा क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझा देना चाहते हैं आपको कि देखिए, यह एक कह सकते हैं कि CPU के भीतर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जो कि ALU और इनपुट आउटपुट संचालन को एग्जीक्यूट करता है। यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यह इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, संचालन करता है, रन करने में मदद करता है कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देश को क्या करता है, ये टोटली पूरा करता है। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यह प्रोसेस होता है कि किसी भी जो भी हमारे पास डेटा होती है उसको इनपुट या आउटपुट संचालन करने के लिए या रन कराने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत में, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं और यहाँ पे हमारा मेमोरी भी लगी होती है। अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट की, CPU के अगर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारा मेमोरी आ जाता है, ठीक है। मेमोरी के बाद हमारा सेंट्रल यूनिट आ जाता है, इसके बाद हमारा आता है क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी तीन चीज़ें यहाँ पे हमारे कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं। तो CPU के अगर कंपोनेंट आपसे पूछा जाए तो CPU के कंपोनेंट में आप क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंतर्गत में हमारे जो भी इनपुट या आउटपुट संचालन किए जाएंगे और हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को निर्देश को पूरा करेंगे, इसीलिए हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला हम लोग बात करेंगे मेमोरी ऑफ स्टोरेज यूनिट की, ठीक है। क्योंकि अब एक एक के बारे में समझते हैं। ये मेमोरी यूनिट जो है इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है, इसको मेमोरी या फिर बोल सकते हैं स्टोरेज यूनिट, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको मेमोरी। दूसरा नाम हमने क्या बताया आप सभी को, स्टोरेज, क्योंकि मेमोरी क्या करता है, स्टोरेज ही करता है, स्टोर ही करता है, यानी इसको हम लोग स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग दूसरे नाम से स्टोरेज भी बोल सकते हैं। तो हमारा मेमोरी यूनिट जो है स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है, समझिएगा कि हमारे कंप्यूटर में जो भी इंटरनल मेमोरी इनबिल्ट होती है इसमें प्राथमिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो है हमारा इसको प्राथमिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। प्राथमिक मेमोरी का जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक मेमोरी में हमारा क्या क्या आ जाता है, पहला तो हमारा आ जाता है रजिस्टर, ठीक है, क्या आ जाता है, रजिस्टर। दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो कैश आ जाता है। अगर हम लोग तीसरा की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग तीसरा की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, मेन मेमोरी आ जाता है, ठीक है। यानी इसको मुख्य मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्राथमिक मेमोरी के एग्जांपल हैं। अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल मेमोरी की, तो एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर से अलग स्टोरेज डिवाइस होती है, ये हमारा एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक मेमोरी है जिसका हम एग्जाम्पल आप सभी को बता दिए। लगे हाथ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे जो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी है। तो एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर से अलग स्टोरेज देते हैं, जैसे कि हमारा हो गया डिस्क हो गया, ठीक है। अब गाइस लगे हाथ हैं हम लोग, अगर अभी हमने बात किया एक्सटर्नल मेमोरी की, ठीक है, तो एक्सटर्नल मेमोरी की भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत में हमारे जो भी कंप्यूटर होते हैं उनसे स्टोरेज जो है डिवाइस इनकी अलग होती है, ठीक है। अलग कहने का मतलब है जैसे कि इसके अंतर्गत में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा डिस्क, ठीक है, पहला हमारा क्या आ गया, डिस्क आ गया, दूसरा हमारा आ गया टैप, तीसरा जो हमारा आ गया USB, चौथा हमारा हो गया क्या, पेन ड्राइव, ठीक। तो इस तरह के जो भी स्टोरेज होती है वो हमारा एक्सटर्नल में आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने तो मेमोरी की बात कर ली है, ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या मेमोरी की बात कर ली है, अब हम लोग दूसरा बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट जो है हमारे जो भी कंप्यूटर है उसकी यह इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों का संचालन नियंत्रित करती है। यानी कह सकते हैं कि जो भी हमारे कंप्यूटर हैं उसमें जो भी इनके संचालन करने की हिस्से होते हैं वो सारी चीज़ को क्या करता है, निरंतर मतलब नियमित करता है, और हमें किसी भी वास्तविक जो डेटा प्रोसेस होते हैं जी, ठीक है, रियल जिसको बोलते हैं, रियल डेटा प्रोसेस जो है, ठीक है, रियल डेटा हमारे पास जो होते हैं, वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग जो होती है ऑपरेशंस को अंजाम नहीं देती हैं, यानी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये इनके कंट्रोल यूनिट के कुछ काम है। अगर इनकी हम लोग फंक्शन की बात करें तो यह कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच जो है डेटा और निर्देशों का मतलब ट्रांसफ़र को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार होता है। ठीक, तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। अब हम लोग दो चीज़ों के बारे में समझ लिए, मेमोरी यूनिट्स के बारे में और कंट्रोल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत में दो चीज़ें हम लोग को पढ़ने हैं। पहला तो हमारा ये पढ़ना है कि अर्थमेटिक जो है उसका अर्थमेटिक सेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक का सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और अर्थमेटिक सेक्शन पढ़ने के बाद हमारा जो दूसरा होगा, ठीक है, जो दूसरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक सेक्शन। ठीक, तो दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, अर्थमेटिक और लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिक यहाँ पे आपका हो गया, लॉजिक ये हो गया, तो अर्थमेटिक और लॉजिक सेक्शन, दो सेक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसको, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक सेक्शन की, अर्थमेटिक अगर सेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अर्थमेटिक सेक्शन का वर्क इसके अलावा जो भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन होते हैं या मल्टीप्लाई होती है या फिर डिवाइज होती है, इस तरह के वर्क करने के लिए हम लोग अर्थमेटिक जो है सेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी इसमें कह सकते हैं कि जोड़, ठीक है, घटाना, गुणा या भाग। ठीक, क्या क्या बोलेंगे यहाँ पर, दो तीन चीज़ें बोलेंगे यहाँ पे। पहला तो कि हमारा आपका घटाना हो गया यानी सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक सेक्शंस का यूज करते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, प्लस याद मत रखिएगा, यहाँ पे एक घटाव यानी सब्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा हम लोग बात करेंगे तो गुणन के लिए, ठीक, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ये डिवीजन के लिए, ठीक है, विभाजन के लिए। तो ये तीन चीज़ें जो है याद रखिएगा अर्थमेटिक के अंतर्गत में, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अर्थमेटिक जो सेक्शन है उसके अंतर्गत में तीन चीज़ों के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमने बताए थे आपको लॉजिक सेक्शन, अब हम लोग लॉजिक सेक्शन के अंतर्गत में क्या यूज करते हैं ये समझिएगा। तो लॉजिक सेक्शन के अंतर्गत में हम लोग जैसे कि माइनस, इसमें भी हम लोग वही चीज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें या मल्टीप्लाई की बात करें या डिवीजन की बात करें तो ये तीनों चीज़ का यूज करते हैं। बट यहाँ पे सभी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सभी जटिल ऑपरेशंस के उपयुक्त कार्य करते हैं और इसमें दोहराव कर उपयोग करने मतलब करके किया जाता है। ठीक है, दोहराव भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, वो आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। पहला तो आपका पूछा जाता है कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पूछा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ सेकेंड या फिर टू बोल सकते हैं, फिर थ्री। ठीक, इतने इंस्ट्रक्शन पूछे जाते हैं, वन एड्रेस, टू एड्रेस और थ्री इंस्ट्रक्शन, इतने इंस्ट्रक्शन पूछे जाते हैं। तो इनमें से यदि आप तीनों के तीनों पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जाए तो तीनों लिख सकते हैं। अगला जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है RISC। ठीक है, रिस्क पूछा जाता है और सिस यानी CISC, दो चीज़ें पूछा जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पक्का आने वाला है, RISC और CISC। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है एक। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हो गया, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ठीक, तो आपका एक तो आपका रिड्यूस हो गया, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स।
ठीक। तो ये कम्प्लेक्स इंट्रक्शन सेट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो तीन चीज़ें पूछी जाती है। अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो उसी तरह से आपका सिस्क का भी पूछता है, ठीक, इसका भी पूछता है। तो आप दोनों को समझिएगा। इसमें आपका सबसे पहले पूछेगा कि ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा दूसरा नंबर में कि इसके करेक्टर क्या हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पूछ सकता है। एडवांटेज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो ये तीन चीज़ें ज़रूर इसमें पूछेंगे। अगर इसके कुछ फीचर हैं तो फीचर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतने चीज़ें आपको सिस्क में भी, जो आपका सिस्क है यानी ये वाला जो है, इसमें भी पूछा जाएगा। आगे एक और इम्पोर्टेंट है, सीपीयू डिजाइन पूछता है, सीपीयू डिजाइन। तो आपको सीपीयू अगर डिजाइन बनाने आता है तो ठीक है, ठीक है। एक आपका इम्पोर्टेंट ये भी है, सीपीयू डिजाइन क्या होता है। या तो फिर हार्डवायर कंट्रोल यूनिट पूछ सकता है, अगर आप इसको बताना चाहें तो बता सकते हैं। रजिस्टर से भी आप पूछ सकता है, ठीक है। रजिस्टर से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाए, पूछता है यहाँ पे कि रजिस्टर मोड क्या होता है। रजिस्टर मोड के अंतर्गत में जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। रजिस्टर मोड, ठीक। तो रजिस्टर मोड भी पूछता है कि रजिस्टर मोड क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेसिंग मोड के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एड्रेसिंग मोड एक ठे याद रखिएगा कि ये आ सकता है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आज टॉपिक बता रहे थे ये बता रहे थे, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट पूछेगा, वही हमने बताया, डिफरेंट पूछता है किसका, रिस्क एंड सिस्क का, ठीक। इसका डिफरेंट भी पूछता है, तो पूछ भी सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के नाम हमने लिख दिए थे, आपने नोट कर लिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।